नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस 2021 के लिए क्या होने वाला है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग द एडमिशंस, और इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि भाई कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस इस बार अडॉप्ट नहीं होगा। आप लोगों के एज यूजल जो एडमिशन प्रोसेस चलते आए हैं पिछले टाइम से, पिछले सालों से, वही प्रोसेस इस साल भी सेम रहने वाला है। और इसमें इन्होंने अपना शेड्यूल भी दिया जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा है नोटिस के अंदर। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा है कि पीजी कोर्सेज के लिए जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा वो 26 ऑफ जुलाई से इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा और लास्ट डेट फिल करने की होगी 21 ऑफ अगस्त की। एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मंडे 26 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म और थर्सडे अगस्त 21 तक इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास अवेलेबल रहेंगे फिल करने के लिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मंडे अगस्त 2 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और ट्यूसडे 31 ऑफ अगस्त तक यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम रहेगा। अब यूजी कोर्सेज के अंदर दो टाइप के एडमिशन होते हैं, पीजी कोर्सेज के अंदर भी दो टाइप के एडमिशन होते हैं। तो क्या होता है कि भाई आपका एक डीयूटी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एक होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज ऐसे जिनके लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन होते हैं। मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मैंने दोनों ही कोर्सेज के बारे में अलग अलग मेंशन करा है, कौन सा कोर्स एंट्रेंस की कैटेगरी में आता है, कौन सा कोर्स मेरिट बेस्ड की कैटेगरी में आता है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, वो वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो वहां पे मेंशन है सिर्फ उन्हीं के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी बुलेटिन इसमें दिए हैं कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे सबसे बड़ी बात उन बच्चों के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जेट के लिए अप्लाई करते हैं बीएमएस कोर्सेज के लिए, तो वो सोचते हैं कि भाई इस बार एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। तो 60% एज यूजुअल आपके क्लास 12th में होने चाहिए और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पे बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए तो मेरिट बेस्ड एडमिशन रहेंगे, तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उनका काम चलेगा। द यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो डिसाइडेड दैट देयर विल बी नो चेंज इन रजिस्ट्रेशन फीस। फीस आपकी वही सेम है और मेरिट बेस्ड दोनों के लिए ही आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो सेम रहेगा और वो रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हो तो उसकी अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू फिल वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अगर कोई और आप सेपरेट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से अमाउंट पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स विल हैव टू फिल कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपके लिए एमफिल और पीएचडी वालों के लिए एक ही फॉर्म होगा और वो भी इनका वेबसाइट पे ही आएगा। एक ही पोर्टल से आपको सारे फॉर्म फिल करने होंगे। जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको डिटेल में फिल भी करके दिखा दूंगा। इसके बाद नॉन नेट कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम्स हैव टू अपीयर फॉर डीयूईटी 2021, जिन्होंने नेट का एग्जाम नहीं दिया है उनको डीयूटी का एग्जाम देना होगा एडमिशन के लिए। बाकी जो कोर्सेज हैं इनके, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी विल बी डन थ्रू डीयूटी, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम रखा जाएगा। अभी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि किन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जैसे हर साल एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आपके जो है कंडक्ट होते हैं एग्जाम्स। और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको इनके एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको इनका एग्जाम देना होता है। और जैसा कि हर साल होता है ईसीए स्पोर्ट्स कैटेगरी और जो रिजर्वेशन रखी जाती है वो सेम इस साल भी रहेंगी। और जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट 1 मई 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में इशू होना चाहिए। इसके बाद के सर्टिफिकेट्स यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और कंप्यूटर के थ्रू आपको एक हेल्पलाइन प्रोवाइड करी जाएगी जिसके लिए ऑटोमेटिक आपको बॉट्स के थ्रू रिप्लाई मिलता रहेगा। बाकी वेबिनार्स भी आप लोगों के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, एडमिशन से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और बाकी जो पूरा प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन है इनके बुलेटिन में निकाला जाएगा। बुलेटिन क्या होता है, जो कि यूनिवर्सिटी का ब्रोशर होता है, अभी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, हर एक कोर्स का अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है और आपकी कट ऑफ कैसे बनती है, आपकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है, किस कोर्स के अंदर सब्जेक्ट चेंज करने पे कितना डिडक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली की और यहाँ पे पूरे देश भर से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो कॉम्पिटिशन इस साल बहुत हाई देखने को आपको मिलेगा। सब इसी की वेट में बैठे हुए थे भाई कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है कि भाई 21 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और
उसके बाद धड़ाधड़ आपकी कट ऑफ रिलीज कर दी जाएंगी 30 सितंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल एक नोटिस के थ्रू कि यूजीसी ने जो मेंशन किया है कि भाई 30 सितंबर तक आपके एडमिशन चलेंगे और उसके बाद कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है तो 31 अक्टूबर तक आप कर लेना, नहीं तो आपका जो सेशन है वो 1 अक्टूबर से इनको स्टार्ट करना ही करना है। तो आपके पास अब बहुत कम टाइम रह गया है अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जो बच्चे यहाँ पे DUET के बेसिस पे अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास लगभग कुछ 30 से 40 दिन बचे तैयारी करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना। कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं DUET के लिए DUET के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसमें हमने बहुत डिटेल में एक टॉपिक को पढ़ाया है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ताकि आपको ईजिली एक एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को लेकर कवरेज करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी डाउट है क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।